तो दोस्तों Realme 2 Pro ये फ़ोन मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया ये फ़ोन मुझे डिलीवर हुआ है और लगभग एक हफ्ते तक मेरा क्या एक्सपीरियंस है इसके प्रॉब्लम्स को लेके मैं आज ये वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है जहाँ पे मैंने आपको इसकी खूबी के बारे में बताया है, इसके प्रोस के बारे में बताया है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा एक हफ्ते के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या Realme में हम लोग को ख़राब बातें मिलती है, Realme 2 Pro में क्या कुछ चीज़ें जो है फिक्स होनी चाहिए। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग Realme 2 Pro ले लिए हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि ये बात Realme तक पहुंच जाए और वो लोग जो है इसके ऊपर एक्शन ले, अपडेट दे और ये सब चीज़ें फिक्स करें। सबसे पहली चीज़ जो मुझे ख़राब लग रही है इस फ़ोन में वो आता है दोस्तों इसके कैमरा को लेके। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो उतना ख़ास मुझे नहीं लगता है और इसका रीज़न ये है कि वाइड बैलेंस जो है फ्रंट कैमरा ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाता है और फ़ोटो जो है काफ़ी वाइटिस आते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम कैमरा में मुझे ये लगती है दोस्तों कि इसका जो बैकग्राउंड ब्लर वाला फ़ोटो होता है, पोर्ट्रेट फ़ोटो, वहाँ पे एज डिडक्शन का प्रॉब्लम है, एज डिडक्ट ठीक से नहीं कर पाता है। फ़ोटो में तो आप बहुत ज़्यादा गोरे लगेंगे लेकिन वो मैटर नहीं करता है दोस्तों, फ़ोटो जो है थोड़ी नेचुरल आनी चाहिए। फ़ोटो में इतना वाइट बैलेंस, मतलब फ़ोटो जो है इतना वाइटिस आ जाता है, एक्सपोजर ठीक से सेट किया हुआ नहीं है, वाइट बैलेंस ठीक से सेट किया हुआ नहीं है। तो ये सब चीज़ों के बारे में जो है Realme को सोचना चाहिए और इसके ऊपर अपडेट देना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो है मुझे यही प्रॉब्लम लगती है इसके फ्रंट कैमरा से। बाद बाकी रियर कैमरा इसका मुझे ठीक ठाक लगा, रियर कैमरा से मुझे कोई दिक्कत नहीं है लगभग, लेकिन रियर कैमरा से भी थोड़ी वाइटिस फोटो आते हैं, लेकिन रियर कैमरा से काम चल जाएगा, फ्रंट कैमरा में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब दूसरी चीज जो मुझे इस फोन की खराब लगती है तो दोस्तों वो है इसकी बैटरी। अगर आप कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो कंटिन्यू यूज़ करने पे दोस्तों बैटरी जो है काफ़ी जल्दी ड्रेन हो जाती है और बहुत सारे यूज़र्स जो हैं दोस्तों वो अगर फ़ोन को नॉर्मल मोड में भी रख देते हैं तो मतलब ओवरनाइट जो है बैटरी ड्रेनिंग का इशू आ रहा है। तो इसको लेके भी जो है Realme वालों को सोचना चाहिए। बैटरी ड्रेनिंग का टेस्ट मैंने किया था, वहाँ पे मुझे इसमें YouTube का जो प्लेबैक है वो लगभग 4 घंटे 38 मिनट का ही मिला था, 3500 mAh की बैटरी इसमें दी गई है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी बैटरी बैकअप जो है कम है और इसमें बैटरी बैकअप जो है और भी मिलनी चाहिए। तो इसको लेके भी Realme वालों को यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है। जो Realme 1 था उसमें 3400 mAh की बैटरी थी लेकिन उसका बैटरी बैकअप एकदम सुपर्ब था और उसमें बैटरी बैकअप जो है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही थी। तो उम्मीद करता हूँ कि Realme वाले जो है इसके ऊपर भी काम करेंगे और जो बैटरी बैकअप का कुछ इशू आ रहा है उसको भी Realme जरूर से फिक्स कर देंगे। अगली प्रॉब्लम मुझे जो लग रही है दोस्तों वो है इसके साउंड क्वालिटी को लेके, इसके स्पीकर क्वालिटी को लेके। तो मुझे लगता है कि इसकी स्पीकर क्वालिटी तो काफ़ी लाउड है लेकिन जो अगर म्यूज़िक लवर हैं उनको इसकी क्वालिटी शायद कि अच्छी ना लगे, क्योंकि अगर आप फुल साउंड देखें, अगर कोई गाना वगैरह सुनते हैं, म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं या वीडियो वगैरह देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि इसका जो स्पीकर है वो उतना अच्छा नहीं है, उसका जो आउटपुट है ऑडियो का वो उतना अच्छा नहीं निकलता है आप अगर कंपेयर करेंगे किसी दूसरे फ़ोन से। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ Realme वालों से कि आप जो है इसके ऊपर भी कुछ ऑडियो इन्हेंस कीजिए ताकि इसमें जो है हम लोग को और भी अच्छी क्वालिटी सुनने मिले। आप इतना अच्छा फ़ोन बनाए हो, मुझे फ़ोन पर्सनली दोस्तों बहुत अच्छा लगा, वाटर ड्रॉप लाइक नॉच आपको इतने कम प्राइस में मिल रहा है, कैमरास भी अच्छे दिए गए हैं लेकिन इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और बैटरी भी ठीक है लेकिन बैकअप जो है थोड़ा कम मिल रहा है, तो इस पर कंपनी को एक्शन लेना चाहिए। बाकी अगर मैं अदर चीज़ों की बात करूं तो अदर चीज़ों में मुझे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं लगा। और हाँ, इसमें नोटिफिकेशन का भी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को लग रहा है, नोटिफिकेशन जो है जल्दी से हटता नहीं है, तो इस पर भी कंपनी वाले को एक्शन लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि इन प्रॉब्लम्स को सीरियसली Realme वालों को सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि ये फ़ोन मिड रेंज में एकदम नंबर वन हो तो इन सब के लिए एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों आप लोग को बताने के लिए कि Realme 2 Pro में क्या कुछ प्रॉब्लम्स होती है और अगर आप Realme 2 Pro लेते हैं तो क्या कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। तो ये छोटा सा अपडेट था। मैं बस रिक्वेस्ट करूँगा Realme वालों से
कि आप जितनी जल्दी हो सके इन प्रॉब्लम्स को फिक्स कर दीजिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में। आपका ओनर 8X है जो कि आपको बहुत ज़्यादा ही टक्कर देने वाला है। अगर आप ठीक से नहीं करोगे तो फिर बहुत सारे लोग ओनर 8X की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद आपका Redmi 6 Pro आ रहा है, Redmi Note 6 Pro आ रहा है, वो भी काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है। और भी बहुत सारे फ़ोन जो है आने ही वाले हैं इसी प्राइस में, तो आप ऐसा मत समझो कि आप ही का फ़ोन सिर्फ चलेगा। तो बस यही कहना चाहूँगा Realme वालों से कि अपडेट से इसको फिक्स करने की जल्द से जल्द कोशिश कीजिए, ताकि जो यूजर्स ले चुके हैं ये फ़ोन उनको डिसअपॉइंटमेंट ना हो। तो हो सके दोस्तों तो आप लोग वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि Realme वालों तक पहुँच जाए ये बात, और वो लोग जो है जल्द से जल्द अपडेट करके इसको फिक्स करने की कोशिश करें। बाकी उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और कमेंट में मुझे बताना आप अगर Realme 2 Pro लेना चाहते हैं या फिर Realme 2 Pro ले लिए हैं, और क्या आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, बताना मुझे कमेंट में। आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो कर देना इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलता हूँ मैं आपसे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए।